एग्जाम से पहले उत्तर पता चल जाता है, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो ये निवेदन है कि सिस्टम अपना सही करिए और बच्चों को लॉलीपॉप देना बंद कीजिए। बेवाक बोलता हूं, भले ही कल आप जेल में ही क्यों ना डाल दो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी या बड़ी दुख खबरी, यह आप ही तय करेंगे, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती इस समय आ चुकी है। थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री ने कॉन्फ्रेंस किया है और बीएड बीटीसी जो स्टूडेंट किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, उन सभी के लिए न्यू वैकेंसी आ चुकी है। अब मैं बात करूंगा, थंबनेल में मैंने लिखा है कि भाई बहुत बंपर पदों पर शिक्षक भर्ती। अब बंपर पदों का मतलब ये आप तय करिए कि मांग 97,000 शिक्षक भर्ती की चल रही थी, जिसमें हलफनामे में ये साफ साफ लिखा था कि 51,000 पद तो बिल्कुल बचे ही बचे हैं। मतलब अगर कुछ भी नहीं होता तब भी 51,000 पदों पर भर्ती होने वाली थी, लेकिन 97,000 को यहां पर बिल्कुल बदल दिया गया और 17,000 मिला। 17,000 का तोहफा मिला या घंटा मिला, ये आप सभी तय करेंगे। और यह भी कहा गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि अगले 3 महीनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी। तो शिक्षा मंत्री जी और जितने भी बैठे हुए आपके तबके के अधिकारी, उनसे कहना चाहेंगे, मैं बहुत खरी बात कहता हूं कि 17,000 पद जो आपने दिए ना, इतना तो आप लोग करप्शन में ही ले जाओगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब आप बच्चे ये कहोगे कि आप सर मोटिवेशन डाउन कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे टीचर होंगे, सभी बच्चे वाकिफ हैं अपने उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर पहले ही पता चल जाता है। और जो टीचर ये कह रहा है ना कि पूरी तरीके से कोर्स खरीद लीजिए, ये कर लीजिएगा, अरे एक टीचर कितना यार मोटिवेट करेगा, कितना भी ना हो तब भी करप्शन हो जाता है, समझिएगा। पहला तो सिस्टम संभालिए, और सिस्टम संभालने के बाद भर्ती प्रक्रिया में लाखों युवा हैं, और जितने भी बच्चे बहन भाई हैं, आप लोगों ने बीटीसी और बीएड कराया वो किस लिए कराया भाई, ये बता दीजिए। आज आपने 24/12/2021 को एक जो है हलफनामा तैयार किया और ये कहा कि 17,000 पदों पर भर्ती होगी, और जो बचे हुए 6,000 पद हुए थे ना पिछली भर्ती में, उनसे उनका तो जोड़ा ही नहीं गया है, उनको कहा नियुक्ति पत्र दे देंगे। यहां पर मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट क्या लिखा है कि भाई जो प्रक्रिया है ना, उसमें बचे हुए पद केवल 17,000 है, इस पर भर्ती नहीं होगी, यह निर्णय लिया गया है। और यह लॉलीपॉप भी कह सकते हो इस चीज का, क्योंकि सभी जानते हैं कोई युवा परेशान है तो उसका मजाक आप बना रहे हो, आपको बहुत अच्छे से युवा जान गया है, और यह सिंपल सी बात है कि चुनाव लगा हुआ है, और 17,000 को कहीं ना कहीं 17,000 यह आपको बड़ा ही नुकसान पड़ने वाला है। और जितने भी बैठे हुए अधिकारी, उनसे हम कहना चाहेंगे ना, ये ऊंट के मुंह में आपने जो जीरा दिया है बच्चों के लिए, ये सिंपल सी बात है कि लाखों कैंडिडेट हैं होड़ में, लाइन में, और आप 17,000 दे रहे हैं साहब। 17,000 में ये भी नहीं बच्चों को पता है कि हम अगर मेहनत कल को करते हैं, कल को एक बेहतरीन कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं और हजारों रुपए लगा देते हैं, और उसका नंबर आएगा भी या नहीं आएगा। हमें तो एक ही पद चाहिए, हर बच्चे को एक पद चाहिए, वो तो यही कहेगा ना, लेकिन कितना मेहनत करेगा, क्योंकि 150 आप दिलवा देते हो करप्शन में। तो चीजें बिल्कुल आसान है, मैं बिल्कुल बेबाक बोलता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कल आप हमें अंदर जेल में डाल दोगे कोई समस्या नहीं है। मतलब यह है कि करप्शन पहले तो अपना सिस्टम सही करो, ठीक है ना। हर सरकार का सिस्टम यही है कि अगर हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उत्तर पहले मिल जाता है, इसीलिए नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले आप अपना सिस्टम सही करिए और लॉलीपॉप देना बंद करिए, नहीं ऐसा लॉलीपॉप दिया जाएगा ना, हजारों शताब्दियां लग जाएंगी कि आप वापस नहीं आ पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।